तो जो आपको हमने बताया कि भीम के जो कंचे थे वो ये यही वाला पत्थर है। अब देख लो एक बार ये कितना बड़ा पत्थर है गाइस। तो आज हम आए हैं ओसम हिल पर, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हो। एक अच्छा सा व्यू है, अच्छा सा टेंपल है, और यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बताने लायक थी। तो आज हम आए हैं हमारे फ्रेंड के साथ जिनका नाम है दीप भाई, और यहाँ पर आकर हम आपको यहाँ का पूरा इतिहास बताने वाले और यहाँ पर क्या क्या है, तो आज सब कुछ हम आपको बताने वाले। तो प्लीज़ जल्दी से जाओ, चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस। और यहाँ पर ही आप देख सकते हो ये स्टेयर्स है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा भी है, आपने देखा ही होगा। तो चलो अभी यहाँ से थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद आप यहाँ से चलते हैं गाइस। तो अभी यहाँ पर हमने जो है हमारी बाइक यहाँ पर रख दी है, एक बाइक हमारी जो है वो यहाँ पर रख दी है, दोस्त की बाइक लेकर यहाँ से जाने वाले। यहाँ पर लोकेशन जो है वो एक नंबर है, मैं आपको पीछे का व्यू अभी दिखाता हूँ। तो जस्ट पहले ये देख लो आप सब कुछ, अभी रुको मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से देख सकते हो आप ऊपर, हमें वहाँ पर जाना है ना उस टेकरी पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ से जो आप ये स्टेयर्स देख रहे हो, यहाँ पर से हमें चढ़कर ऊपर की साइड जाना होगा, और पूरा मतलब पहाड़ है उसके बीच में एक ऐसा रास्ता बना हुआ है, एंड यहाँ से एक छोटा सा झरना बोल सकते हो वो निकलता होगा। तो ये देख लो टेस्ट चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ ये लिखा हुआ है जो कि 2016 में, और हाँ दो था। अच्छा मतलब तभी ये बने हुए हो, अच्छा ठीक है। और ये 3112 ये क्या लिखा हुआ है? ओ ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही टाइम पास के लिए लिख दिया। यहाँ पर अभी घना जंगल आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखो पूरा घना जंगल है, और यहाँ पर अभी स्टेज के पास थोड़ा बहुत आराम करने के लिए हम खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर हमें जो हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे जानवर है जो कि आपको हानि पहुँचा सकते हैं, जैसे कि लेपर्ड। यहाँ पर 12 से 13 जो है वो लेपर्ड यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कभी यहाँ पर किसी इंसान को इन्होंने छेड़ा नहीं है, और कोई भी ऐसी जो है वो घटना नहीं हुई है। तो अच्छी है एक बात कि यहाँ पर आओ तो कोई ऐसी मतलब आपको हानि नहीं पहुँचाएगा जानवर। जैसे हम गिरनार के अंदर गए थे, वहाँ पर हमें जैसे ही बताया गया था कि यहाँ पर आप स्टेयर्स के ऊपर हो तभी आपको कोई जानवर परेशान नहीं करेगा, बाकी आप नीचे उतरोगे जैसे ही तभी आपको जानवरों से बच के रहना होगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है, और जंगल काफ़ी अच्छा है और घना भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब पूरा पहाड़ है, वहाँ पर ऊपर टेम्पल है, और ऐसे ही पहाड़ के बीच में से ये स्टेयर्स निकल रहे हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं, और ये नीचे का व्यू है देख लो। एक बात जानने को मिली है जो कि है यहाँ पर एक गौमुखी, क्या गंगा गौमुखी गंगा है, और यहाँ पर जो है वो मतलब पानी निकलता है उसमें से, उसके गाय का जो मुंह होता है मुख उसमें से थोड़ी हाँ अच्छा। तो गाय का जो मुख होता है उसमें से मतलब 12 महीने आप बोल दो, हर दिन 12 महीने उसमें से पानी निकलता रहता है। तो अभी वो भी आपको दिखाएंगे, और एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं। देखो ये क्या है, भीम की थाली, भीम की थाली है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी बड़ी थाली थी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आज आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से धोध गिरता है, अच्छा वहाँ से धोध गिरता है जो आप देख सकते हो, ऊपर से अच्छा व्यू आएगा ऊपर से, यहाँ आगे जाएंगे ना वहाँ से, अच्छा ठीक है। तो ऊपर हम भी जाएंगे, और जो है मानसून के सीज़न में यहाँ पर आने का मज़ा ही अलग होता है, तो देखते हैं मानसून में अगर आए तो। और यहाँ पर आप देख लो यहाँ से गांव दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत आपको, यार मौसम खराब है वेदर, इसीलिए यार ये सब कुछ मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गौमुखी गंगा है, जो कि आपको बोला कि यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर पानी गिरता रहता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये अभी भरा हुआ है कुंड, जो कि पानी से और बूंद बूंद करके यहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है, और वो पानी यहाँ पर पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, और एक टंकी ऊपर भी है। तो अभी यार यहाँ पर ताला लगे हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई अभी है नहीं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ताला है तो है नहीं इसलिए, वरना आपको सब कुछ हम दिखाने वाले थे। और ये जो आपको बोला कि धोध है वो ये वाला है, ये देख लो। अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर खाना वगैरह बना सकते हो, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर फ्री में अलाउ हो जाएगी। और अभी देखो यार मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो ये देखो ये मतलब पूरा पत्थर है, और यहाँ पर अभी थोड़े ही टाइम में माइन भी स्टार्टिंग होने वाली है, ऐसा कोई अंदाज़ा आया हमें। और यहाँ पर आप देसी स्टाइल में खाना बना सकते हो गाइस, ये देखो मतलब ये देख लो कितने पास आ गए हैं।
और यहाँ पर ये देखो, ये अभी जो है वो गांव का एकदम मस्त सा व्यू यहाँ पर से आ रहा है, देख लिया। और यहाँ पर से आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो रास्ता जाता है वो यहाँ पर है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो उसके बाजू में से ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर है और इसके पास में ये जा रहा है वो रास्ता भाई है। देख सकते हो आप, ये लोकेशन देख लो एक बार, हम वहाँ से आए थे और ये देखो, मतलब पूरा यार ओसम हिल वैसे भी ओसम है और देखने में भी ओसम है। ये देखो नीचे से भी रास्ता जा रहा है, एक हम वहाँ से जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और हमने जो हमारी बाइक पार्क की है वो भी आपको दिखाएंगे, देख लो। ये देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने बाइक पार्क की है। बाकी ये देखो अभी कितना अच्छा माहौल हो रहा है, और ये पूरा खेत देख सकते हो आप, मतलब गूगल मैप की तरह ये दिखने लगा है। तो ये देखो अभी हम जाने वाले थे, वहाँ पर भी एक मंदिर है, टेम्पल है, लेकिन वहाँ पर अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो सोचेंगे अगर जाएंगे तो। गैस तो अभी यार केव पर तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पर लेपर्ड का जो है वो, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर अभी जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि आप ये रास्ता देख लो एक बार, ये जो रास्ता आप देख सकते हो, तो यहाँ से जाने वाला है वो केव पर गुफा पर जाता है वो रास्ता। तो अभी यहाँ पर हमने जो है वो मतलब जाने का नहीं सोचा है, क्योंकि यहाँ पर करीब 10-12 नहीं बल्कि 20-25 लेपर्ड यहाँ पर रहते हैं, पूरे जो हिल ओसम, मतलब ओसम हिल है तो वहाँ पर रहते हैं। तो आज तो हम आपको ये दिखा नहीं पाए, अगर देखते 10-12 लोग हमारी पूरी टीम आएगी यहाँ पर और तब आते हैं वहाँ पर जाएंगे, आपको पूरी केव दिखाएंगे। और इसका कुछ इतिहास भी है, अभी वो हमने पूछा नहीं क्योंकि हमें वहाँ पर जाना नहीं था। तो अभी शाम भी होने को आई है, अभी टाइम हो रहा है 6:30 और शाम भी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर और वहाँ पर ही जाकर आपको दिखाते हैं, और थंबनेल में भी हमें खींचना अभी बाकी है। तो चलो यहाँ से नीचे जाते हैं और वहाँ पर, यहाँ से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमें जाना है वहाँ पर। और ये क्या चीज़ है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ये देख लो, मतलब क्या है ये कमेंट में बताना, अभी आपके ऊपर निर्भर है पूरा मामला। तो कमेंट में जाओ जल्दी से बता दो। बाकी वो आप देख सकते हो यहाँ से अभी हम नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया, और ये जो है वो स्टेयर्स है, तो अभी नीचे जाता है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो दिखाएंगे। और एक जो है वो भीम की जो कंचे होते थे, अभी के टाइम में जो कांच के कंचे होते हैं, वैसा ही भीम का कंचा है जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और दिखाते हैं वो कंचा कैसा है, वो पत्थर का है, अभी आप डिसाइड कर लो कि मतलब वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, तो सब कुछ हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर जुड़े रहे ना। वो भीम के थाली और भीम का कोठा, भीम का ये जो कंचा है, वो देख के आप लोग डिसाइड करना कितना बड़ा है भीम या कितना छोटा है भीम। ठीक है गाइस, तो अभी जो कंचा है वो हम दिखाने वाले हैं, तो बस वीडियो के अंदर जुड़े रहे। बताया कि भीम के जो कंचे थे वो ये यही वाला पत्थर है, आप देख लो एक बार ये कितना बड़ा पत्थर है, जो कि मतलब आप एक बार ये देख लो। और हम जहाँ से आए थे वो वाला टेम्पल वो रहा है, जहाँ से हम अभी आए हैं नीचे, वहाँ से डर ऐसे होते होते उस तरफ आए थे, और ये रास्ता मतलब दूसरा वाला है, तो यही वाला आपको पत्थर दिखाने के लिए हम आए थे, और गुफा भी दिखाने वाले थे, लेकिन वो अभी क्या है लेपर्ड का वहाँ पर खतरा है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर दिखा नहीं पा रहे। तो ये देखो, और वो ऊपर वो वाला टेम्पल है जहाँ से हम आए अभी।